नमस्कार, मैं हूं यास्मी। सुशांत सिंह के केस की जांच बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हवाले कर दी है, जिसे लेकर एक तरफ सुशांत के चाहने वालों के बीच खुशी का माहौल है। लोग सुशांत को न्याय दिलाने की आस लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई में बैठे कुछ शीर्ष अधिकारी इस मामले में अपनी टांग अड़ाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जिन्हें कुछ नहीं मिला तो कोरोना को ही अपना हथियार बना लिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से सुशांत केस में सीबीआई मंजूरी की भनक लगने के बाद बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि अगर सीबीआई टीम 7 दिनों के लिए आती है और वापसी करने का कंफर्म टिकट हुआ तो उन्हें क्वारंटीन से छूट मिल जाएगी, लेकिन यदि टीम 7 दिनों से अधिक समय के लिए आती है तो उन्हें ईमेल के जरिए छूट मांगनी होगी, जिस पर बीएमसी विचार करेगी। तो आप देख सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से सीबीआई को सहयोग करने के महाराष्ट्र सरकार को मिले निर्देश के बावजूद इनके कानों पर मानो जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब जांच के लिए पटना के एसपी विनय तिवारी मुंबई गए थे तो बीएमसी अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण का बहाना करते हुए उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया था। बीएमसी के इस कदम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई थी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बीएमसी के इस कदम को सुशांत मामले की जांच रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया था। और अब एक बार फिर जब जांच सीबीआई के हाथों में है तो महाराष्ट्र सरकार बीएमसी नियमों के हवाले से कोरोना को अपना हथियार बना रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट से मिले निर्देशों के बावजूद सीबीआई को इस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ेगा? क्या सीबीआई अधिकारियों को भी क्वारंटीन कर जांच पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल चाहती है देश की जनता। Is your visiting for line of investigation, sir?